हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिशेस। तो सबसे पहले ये जान लें कि तमाम वर्टिब्रेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। व्हाट इज़ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? इट इज़ सच टाइप ऑफ सिस्टम इन विच ब्लड फ्लोस इन ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज, कैपलरीज एंड वेन्स। ठीक है, ब्लड जो है वो ओपनली मूव नहीं कर रहा होता, प्रॉपर ब्लड वेसल्स में मूव करता है, जैसे आर्टरीज हैं, कैपलरीज और वेन्स हैं। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये देखा गया कि जब एवोल्यूशन हुई लंग्स की फिशेज में और जो चेंजेस थी वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम्स में, ये दोनों प्रोसेस जो थे ना, ये पैरेलल थे। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया। और जो वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम में चेंजेस थी वो क्या क्या थी? वो ये थी, नंबर वन, लॉस ऑफ गिल्स, उनमें गिल्स का लॉस हो गया और ब्लड जो है ना वो लंग्स को डिलीवर होने लग गया। ठीक है, और थर्डली जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो सेपरेट हो गया, उनकी सेपरेशन हो गई। ये चेंजेस आई वर्टिब्रेट्स में और ये देखा गया कि ये वर्टिब्रेट के सर्कुलेटरी सिस्टम की चेंजेस और एवोल्यूशन ऑफ लंग्स इन फिशेस, दीज वर पैरेलल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जो फिशेज हैं उनका हार्ट टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, जबकि जो मैमल्स हैं उनका फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। अच्छा, वर्टिब्रेट का हार्ट डेवलप कहाँ से हुआ? ये देखा गया कि जो वर्टिब्रेट्स थे उनका हार्ट फोर एम्ब्रियोलॉजिकल इनलार्जमेंट्स थी वेंट्रल एओर्टा। ठीक है, ये एक पोर्शन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में वेंट्रल एओर्टा का एक स्ट्रक्चर है, इसकी फोर एम्ब्रियोलॉजिकल इनलार्जमेंट्स हुई और उसी से जो है ना वो वर्टिब्रेट का हार्ट डिवेलप हुआ। अब स्टूडेंट्स, फिशेस का जो हार्ट है वो टू चैम्बर्ड हार्ट है, पहली बात। दूसरी ये कि हम देखते हैं कि कैसे जो ब्लड है फिशेस की बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिस जो के बॉडी से हार्ट की तरफ जाना होता है। ठीक है, हार्ट की तरफ और हार्ट से गिल्स या फिर लंग्स की तरफ जाना होता है फॉर ऑक्सीजनेशन, क्योंकि हमें पता है गिल्स और लंग्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो बेसिकली ऑक्सीजनेशन क्या है कि जहाँ पे बॉडी का ब्लड है उसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड होती है। जब हार्ट से ब्लड जाएगा गिल्स की तरफ या लंग्स की तरफ, वहाँ से ऑक्सीजन शामिल होगी और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई होगा। फिर जब बॉडी ऑक्सीजन यूज़ कर लेगी, क्योंकि बॉडी ने रेस्पिरेशन का प्रोसेस शो करना है, फूड होगी और ऑक्सीजन यूज़ करेगी, उसके बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और एनर्जी वो यूज़ कर लेगी। उसके बाद पूरी बॉडी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से गिल्स और गिल्स से दोबारा से बॉडी में। तो ये प्रोसेस ऐसे जो है वो कंटिन्यू होता है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि फिशेस की बॉडी में, फिशेस के जो हार्ट है बेसिकली, और हार्ट के कितने पार्ट्स हैं और हार्ट के साथ कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है ब्लड फ्लो करने का, वो कैसे होता है? बहुत सारी जो वेनस सिस्टम कहते हैं, बहुत सारी वेन्स मिलके जो सिस्टम बनाती हैं वो है वेनस सिस्टम। और याद रखिए, वेन्स जो होती हैं ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है, सिमिलरली ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो जो वेनस सिस्टम है वो ब्लड लेके जाएगा साइनस विनोसस की तरफ। ठीक है, जो कि थिन वॉल्ड एक स्ट्रक्चर है, थिन वॉल्ड। ठीक है, साइनस विनोसस से ब्लड जाएगा एट्रियम की तरफ, एट्रियम भी एक थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और फिर एट्रियम से जाएगा वेंट्रिकल की तरफ, वेंट्रिकल एक लार्ज मोर मस्कुलर है एज़ कम्पेयर टू एट्रियम, और इसको प्राइमरी पम्पिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, ये पम्पिंग करता है ब्लड की। उसके बाद वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो करता है कोनियस, कोनस आर्टेरियोसस। ठीक है, वेंट्रिकल ओपन होता है कोनस आर्टेरियोसस में, और ये जो है वो फर्दर वेंट्रल एओर्टा में ब्लड को भेजता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये प्रोसीजर चलता है। वेंट्रल एओर्टा के बाद जो है वो एफरेंट वेसल्स होती हैं, और एफरेंट वेसल्स जो है ना वो मिलके जाती हैं गिल्स में, और वहाँ पे उसकी वेस्कुलर सर्फिसज होती हैं, कैपलरीज में ओपन होती हैं, और कैपलरीज में जो है वो गैशियस एक्सचेंज होता है, ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेशन होता है उसकी, और वो दोबारा से वहाँ पे फिर एफरेंट वेसल्स होती हैं, एफरेंट वेसल्स के ज़रिए डोर्सल एओर्टा में ब्लड जाता है, और वहाँ से फिर जो है वो पूरी बॉडी को सिस्टेमिक कैपिलरीज में जाके बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हो
और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है वो जब ब्लड दोबारा से जब बॉडी ऑक्सीजन यूज़ कर लेगी डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर वो अगेन जो है वो वीनस सिस्टम से साइनस विनोसस की तरफ मूव कर जाएगा। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमने कहा कि फिशेस का हार्ट जो है वो टू चैम्बर होता है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो और भी स्ट्रक्चर्स हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मेन एट्रियम और वेंट्रिकल का पोर्शन है, ये दो दो स्ट्रक्चर्स हैं, टू चैम्बर्ड हैं, यही जो है वो हार्ट इनका फिशेस का ओरिजिनल हार्ट जो है वो यही होता है। ठीक है, जो कोनस आर्टेरियोसस और साइनस विनोसस है, ये एडिशनली जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हार्ट को एफिशिएंटली वर्क करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हार्ट है वो टू चैम्बर्ड ही है, इट कंसिस्ट ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल। अच्छा, मोस्टली फिशेज में जो ऐसा होता है कि जो ब्लड है वो हार्ट में से पास करता है एक दफ़ा हर सर्किट के दौरान, विद एवरी सर्किट इट पासिस थ्रू द हार्ट वंस। ठीक है, और कुछ फिशेज ऐसी हैं जो लंग फिशेज होती हैं, उनमें लंग्स होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने जो ये बात कर ली ना सारी, हमने एक जनरल बात की उन फिशेज़ की मोस्टली जिनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एज वी नो के फिशेज़ में रेस्पिरेशन के लिए हम अगर बात करें तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। हमने स्टडी किया था कि कुछ लंग फिशेज होती हैं जिनमें लंग्स का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो वो जब ड्रॉट कंडीशन आती है या फिर जो है वो ड्राई इन्वायरमेंट होता है, तो वो अपने लंग्स को यूज़ करके रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करती हैं, हालांकि उनमें गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब वाटर होता है तो वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं, और जब वाटर ड्रॉट कंडीशन होती है, ड्राई हो जाता है, तो वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। अब यहाँ पे तो स्टूडेंट्स हमने सारी उसकी बात कर ली, वो प्रोसीजर की, जहाँ पे उन फिशेज़ में गिल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन अब जो लंग फिशेज़ हैं ये एक्सेप्शनल केसेज हैं जिनमें लंग्स प्रेजेंट हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, तो इन्होंने सर्कुलेशन के पैटर्न को ना आल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, यूनिक बना दिया। ठीक है, ये हट के एक पैटर्न जो है ना वो फिशेज़ में शो हुआ कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जाहिर है, लंग्स में भी ब्लड जा रहा है, तो उसमें कैसे ऑक्सीजनेशन हो रही है, या कौन सी ऐसी जो है वो वेसल है वो लंग्स में लेके जा रही है। इस पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन को समझने के लिए लंग फिशेज़ में क्यों ज़रूरी था, ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्री अडेप्टेशन थी फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ, बिकॉज लंग फिशेज जब वाटर ड्राई हो जाता था ड्रॉट कंडीशन में, तो मड यानी कि लैंड वाले इन्वायरमेंट में रहती थी मड बना के, तो वहाँ पे वो लंग्स यूज़ करती थी, इसलिए ये एक प्री अडेप्टेशन थी टेरेस्ट्रियल लाइफ, ऐसी लाइफ जो कि लैंड पे रहती है उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन थी। तो इस तरह से लंग फिशेज में भी सर्कुलेशन होती रही क्योंकि उनमें गिल्स प्रेजेंट थे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने यहाँ पे जो है वो गिल्स में सर्कुलेशन का प्रोसेस स्टडी किया, बिल्कुल ऐसे ही लंग फिशेज में भी सर्कुलेशन होती है, कंटिन्यू होती है, लेकिन इसके साथ साथ एक वेसल एडिशनल इसमें प्रेजेंट होती है जो कि लंग्स की तरफ जो है वो ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, एक एओटिक आर्च या फिर ब्रैंकियल आर्च कहते हैं इसको, वो डेवलप हुई, उसको नाम दिया गया सिक्स। उसके अलावा जो फाइव वेसल्स होती हैं ना, फाइव एओटिक आर्चेस, वो यहाँ पे जो फाइव एओटिक आर्चेस थी ना, वो गिल्स की तरफ जो है वो लेके जाती थी ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए, लेकिन लंग फिशेज में एक और जो है ना वो एडिशनली जो है ना वो एक और कह लें कि सिक्स वाली जो है वो एओटिक आर्च डेवलप हुई और वो लंग्स में, किसमें, लंग्स में लेके जाती थी उसको, लंग्स में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर स्टूडेंट्स ये जो आर्च लेके जाती थी लंग्स की तरफ ब्लड को, इसको नाम दिया गया पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, और हमने देखा कि हर आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना जो लंग्स में लेके जा रही है, ये वाली पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लंग्स में लेके जा रही है, इस ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा। ठीक है, तो इसको पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे, और जिस वेन के थ्रू अब दोबारा से जो है ना वो लंग्स से जो है वो ब्लड कहाँ पे जाएगा, लंग्स से दोबारा हार्ट में आएगा। ठीक है, हार्ट में आएगा ताकि बॉडी को सप्लाई हो, तो लंग से हार्ट में जो है वो ब्लड आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन्स, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, जो कि हार्ट की लेफ्ट साइड पे एंटर हो जाएगा। तो लंग फिशेज में जो हार्ट होता है वो पार्शियली डिवाइडेड उसमें एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल एक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, पार्शियली डिवाइडेड है, कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, कुछ जो है वो पोर्शन डिवाइड है, और वो क्यों डिवाइड है, इसलिए ताकि सेपरेट कर सके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। अब स्टूडेंट्स एक स्ट्रक्चर होता है स्पायरल वेल्व का, स्पायरल वेल्व का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो कोनस आर्टेरियोसस में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, ये ब्लड को डायरेक्ट करता है राइट साइड ऑफ द हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी में,
और लेफ़्ट साइड ऑफ़ द हार्ट को रिमेनिंग जो एओर्टिक आर्चीज है वहाँ पे जो है वो ब्लड को डायरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस सारे से जो हमें ये पता चला कि जो लंग फिशीज़ हैं वो एक डिस्टिंक्शन शो कर रही हैं बिटवीन अ पल्मोनरी सर्किट एंड अ सिस्टेमिक सर्किट। पल्मोनरी सर्किट ऐसा सर्किट है जिसमें ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में जा रहा है और लंग्स से दोबारा हार्ट में और फिर हार्ट से बॉडी में, और सिस्टेमिक सर्किट बॉडी का सर्किट जो ब्लड जो ऑक्सीजनेशन हो के जिसकी ब्लड बॉडी को सप्लाई हो रहा है। तो लंग फिशीज़ की एक्सेप्शन थी, इनमें एओर्टिक आर्क जो है वो सिक्स जो है वो डेवलप हुई जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम फिशीज़ में वर्क करता है, कॉमन फिशीज़ हैं जनरली जो बोनी फिशीज़ हैं उनका सिस्टम कैसे होता है और जो लंग फिशीज़ हैं उनका कैसे होता है। ठीक है, तो इट वॉज़ ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिशीज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट and share this video with your friends. Thank you.